जय गुरु। आज का आलोचना टॉपिक है विहित फल। ये सन 1966 की घटना गुरुदास भाई के साथ जो हुआ था, टीय परम किताब पृष्ठ संख्या 149 से संग्रहित है। चलिए सुनते हैं। सन 1966 की नववर्ष उत्सव के एक दिन पहले की घटना है। बहुत लोग आए हैं और भी बहुत लोग आने वाले हैं। श्री श्री ठाकुर लोगों से कुशल मंगल एवं अन्य समाचार आदि पूछ रहे हैं। अचानक नज़दीक में बैठे देवीदास से पूछे, गुरुदास का क्या समाचार है? देवीदास ने कहा, मुझे तो पता है कि वे अच्छे हैं, आज या कल यहाँ पहुँचेंगे। गुरुदास दा देवीदा का बहनोई है। शिष्य ठाकुर इतने लोगों के भीड़ में अचानक ये बात क्यों पूछे? ये सोचकर देवीदा थोड़ा चिंतित हो गए। उस दिन देर रात को गुरुदास दा बनारस एक्सप्रेस से देवघर पहुँचे हैं। दूसरे दिन हाल समाचार पूछने के साथ देवीदा ने गुरुदास दा से कहा कि कल संध्या में श्री श्री ठाकुर आपकी कुशलत की बात पूछ रहे थे। गुरुदास दा कल संध्या की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य करते हुए पूछे, कल कितना बजे? देवीदा ने कहा, लगभग 4:30 बजा होगा। यह सुनकर गुरुदास दा ने कहा, उस समय मेरी एक दुर्घटना हुई थी। मैं एक कार्य के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरा था। काम पूरा करके लौटते लौटते ही ट्रेन खुल गई। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी। पायदान पर पैर रखने के भी जगह नहीं मिल रही थी। मैं घबरा गया था। मैं सिर्फ ट्रेन का हैंडल पकड़े हुए था और श्री श्री ठाकुर को पुकार कर रहा था। अचानक एक सज्जन मेरा हाथ खींचकर मुझे अंदर कर दिया। मुझे यदि अंदर नहीं खींचता तो मैं ट्रेन से गिरकर मारा ही जाता। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सत्संगियों के जीवन में घटती रहती है। इन घटनाओं से यह प्रमाण होता है कि वे सर्वत्र सर्वक्षण के लिए उपस्थित रहते हैं। उनका विधान प्रकृति में अनुसिद्ध है। जब मनुष्य उनके विधान को मानकर चलता है तभी उसको विहित फल मिलता ही है। प्रिय परम से पृष्ठ संख्या 149। जय गुरु।